गाइज वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। सो गाइज आज है नवमी और हमारे यहाँ आज हवन होता है, कन्या पूजा होता है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, आई हैव शावर्ड एंड आई एम ऑल रेडी। मम्मी तो कब से उठ के किचन में है, हलवा पूरी चने सब बना रही है, प्रसाद जो चढ़ता है देवी माँ को और फिर वही कन्या भी खाती है। सो लेट्स गो किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया अभी तक। बट उसके पहले आई विल गिव यू अ फुल लुक कि आज मैंने क्या पहना है। ये है पूरा लुक। मेरे हॉल वीडियोस में बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं अनारकली हॉल बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस बार अनारकलीज खरीदे हैं। तो मैं जल्द ही एक अनारकली हॉल डालने वाली हूँ और अब चलते हैं किचन में। गाइज हलवा भी बन चुका है और इसे मम्मी ने ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश किया है। मेरा काम है इसे काट करके निकाल के रखने का। ओके सो हलवा का पूरा काम हो गया है, अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। और अभी सारे चने भी बन गए हैं। ये हैं चने, काले चने बनते हैं आज और मुझे हलवा और चने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना जिसे जिसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आज के प्रसाद का। गाइस पंडित जी आ गए हैं और अब चलते हैं हवन करने। एंड आई फॉरगॉट टू विश यू ऑल हैप्पी नवमी गाइस। और शायद ये ब्लॉग दशहरा पे आएगा, सो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। और अब चलते हैं पूजा में। ओम विघ्नेश्वराय वृदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय ओम ओम यमिके यमालिके नमानि सुखनादुका सुद्रकं धम बिल्लवाजनी महा विखानिखाना मुमेखान सर्वलोकं महिखान है स्वाहा। ओम बाबा विश्वनाथाय नमः स्वाहा। ओम मटु भैरवाय नमः स्वाहा। ओम लाड सो गाइज इसके बाद सारी कन्याएं आ गई थीं, तो मम्मी ने पूजा किया और हम सब ने साथ में सारी कन्याओं को और एक लंगूर को खिलाया पिलाया। गाइस तो आपने देखा कन्या पूजा हो गई है और अब मम्मा मेरा पूजा करने वाली है क्योंकि असली कन्या तो मैं ही थी। और अब मैं भी अपना प्रसाद लेके बैठ गई हूँ। अभी तक टेस्ट नहीं किया है कि बना कैसा है। आज के प्रसाद का ना टेस्ट ही अलग होता है। तो गाइज पूजा, हवन, कन्या पूजा सब बहुत अच्छे से हो गया और दोपहर में मेरा प्लान है फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच पे जाने का। सो नाउ आई मीट यू गाइज ऑन लंच। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ मेन कोर्स सेक्शन में, बट मेन कोर्स खाने का बिल्कुल दिल नहीं है।
स्टार्टर से इतना पेट भर चुका है, बट देखते हैं, दिस इज़ छोले एंड पनीर, और देखते हैं क्या है, दिस इज़ वेज बिरयानी, बट मेरा मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है। डिज़र्ट्स के लिए मेरे पेट में हमेशा जगह रहती है और बहुत यमी डिज़र्ट्स लग रहे हैं, तो डिज़र्ट्स तो ज़रूर खाएंगे हम लोग। गाइज द सीक्रेट इज इट्स नॉट हर बर्थडे, बट बारबेक्यू नेशन में जाके ये प्रैंक नहीं किया तो क्या किया। गाइस बारबेक्यू नेशन में इतना खाने के बाद अब मेरी फ्रेंड्स मेरे को होम सेंटर में वॉक करवा रही है। क्या क्या ले रही हो दीदी? हाय अगेन, कंप्लीट चेंज इन लुक। मैं अभी एक फेस्टिव मेकअप ट्यूटोरियल कर रही थी और ये है पूरा मेकअप। आप लोग जरूर बताना कि कैसा लगा। लेट मी जस्ट शो यू माय फुल लुक। सो दिस इज माय फुल लुक। मैंने पहना है ये ब्लू कलर का अनारकली सूट। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पंडाल लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ, घूमती हूँ यहाँ के पंडाल और आप लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ। लिटरली मैं तो अपने बचपन का गई हुई हूँ, बहुत सालों से मैंने यहाँ के पंडाल नहीं देखे हैं देवी माँ के, तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। सो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं अपना फर्स्ट पंडाल देखने के लिए। पंडाल के पहले एक नज़र रोड के डेकोरेशन पे भी डाल लेते हैं, बहुत प्रिटी लग रहा था। तो गाइज ये है पंडाल का बाहर वाला पार्ट और अब चलते हैं अंदर, घुसते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ये बिल्कुल गुफा टाइप बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है और बिल्कुल आइस के स्लैब्स यहाँ पे रखे हुए हैं, काफी ठंडा है। पंडाल के जस्ट बाहर ना प्रसाद मिल रहा था तो मैंने वो लिया और इसके बाद मुझे लेनी थी कुछ मिठाइयाँ, तो मैं पहुँच गई मिठाई की दुकान पर, मैंने मिठाई पैक करवाई, ले लिया और उसके बाद हम चलेंगे सेकंड पंडाल में। ये वाला जो पंडाल था बिल्कुल राम मंदिर वाले थीम पर बना हुआ था और अंदर महिषासुर वाला स्किट चल रहा था। लेट्स जस्ट सी। नेक्स्ट मैं गई इस पंडाल में जहाँ पर पूरा प्रॉपर मेला लगा हुआ था और यहाँ पर खूब सारे राइड्स थे। मैं भी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लगी और मुझे लगा कि मुझे भी जाना है इस राइड पर। ये जो गोल वाला होता है, नाम मुझे नहीं पता इस झूले का, और इस झूले पे मैं मिली एक अच्छे से क्यूट से फैमिली से।
मजा आ रहा है। गाइज राइड्स तो बहुत इंजॉय करी और अब मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के यहाँ डांडिया नाइट में। लेट मी अटैच द स्नैप्स हियर। गाइज मैं डांडिया नाइट से आके बिल्कुल थक गई थी और सीधा सोने चली गई। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। आई रियली लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। आई पोस्ट वीडियोस ऑन ब्यूटी लाइफस्टाइल फैशन एंड फूड तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड आई प्रॉमिस मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय। टेक केयर। नमस्ते।